नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक राय आपका स्वागत करता हूं आप ही की यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न बाय एकेआर में। सो फ्रेंड, दोस्तों और न्यू टू दिस चैनल या फिर जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल। ओके सो फ्रेंड, दिस चैनल इज मेंट फॉर ऑल, सभी के लिए चैनल है जो भी इस मार्केट में जानना चाहते हैं अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न, अबाउट इंडिकेटर्स, अबाउट चार्ट पैटर्न, अबाउट रिस्क इन्वेस्टमेंट, सुकन्या समृद्धि, पीपीएफ, जो भी रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और जिन्होंने डीमैट अकाउंट नहीं ओपन कराया है वो जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आपको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे यूज कीजिए और डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। कोई डाउट हो ओपन करते समय या फिर ओपन कराने के बाद बाय और सेल में भी या किसी चीज में डाउट हो, इस जीरोधा गाइड का जो वीडियो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उसको आप प्रेस कीजिए, उसको पिन कीजिए, उसको देखिए, आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके सो फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहूंगा इस चैनल में नो बाय नो सेल रिकमेंडेशन गिवन इन दिस चैनल, और सर्च करने पर डायरेक्टली प्लीज कॉन्टेक्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का वीडियो क्या है उसको देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इट्स ऑल अबाउट डबल टॉप चार्ट पैटर्न जो कि एम पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। ये पैटर्न जो आप सबसे पहला जो देख रहे हैं ना, ये पैटर्न, ये ऑलरेडी इस पर वीडियो ऑलरेडी मैंने बना चुका है, आप उसको देख सकते हैं। इस पैटर्न का नाम है डबल बॉटम। ठीक है, इस पैटर्न का नाम है डबल बॉटम पैटर्न है। तो जिन्हें भी डबल बॉटम से रिलेटेड वीडियो देखना है आप इसको देख सकते हैं। डबल बॉटम यानी ये आपका बनेगा बॉटम में बनता है। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न बनेगा, ये बॉटम में बनता है। मार्केट जब बेयरिश रहता है, मार्केट जब बेयरिश रहेगा तब ये पैटर्न बनता है। ओके, बेयरिश रहेगा मार्केट वहां से जाना चाहेगा, तो आप पूरी कंप्लीट पैटर्न आपको वीडियो मिल जाएगा। और जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इट्स ऑल अबाउट, ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है जिसको डबल बॉटम कहता है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले इट्स ऑल अबाउट डबल टॉप। डबल टॉप कहाँ मिलेगा? डबल टॉप मिलेगा जब मार्केट जो रहेगा ना बुलिश रहता है। ठीक है, बुलिश रहता है, आपने ट्रेड लिया, आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, आप इस तरीके से प्रॉफिट को लेते हुए जा रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं, लास्ट में क्या होता है, इस जगह पे जाकर ना बायर थक जाते हैं, बायर जो रहता है थक गए, और यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट पीक बना, पहला टॉप बना, यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया। प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ और बायर्स भी थक गए, और सेलर्स क्या हुआ, सेलर्स ने बोला कि अब मुझे यहाँ पर सेल करना है, सेल करके इस प्राइस को खींचता हुआ उन्होंने क्या किया, नीचे तक लेकर के आए, और नीचे के लाने के बाद यहाँ पर एक बार फिर से बाइंग इनिशिएट हुआ। तो जितने बायर जो थे ना सबको क्या लगा, अरे यहाँ इसके बाद तो अब नीचे नहीं जाएगा, और सबने अच्छा खासा बाइंग किया। जो स्टॉक का प्राइस था या जो भी था, ठीक है, जो भी इन द सेंस आपका निफ्टी था या बैंकिंग जो भी था, यहाँ पर से अच्छा बाउंस बैक किया, इस जगह से बाउंस बैक किया। ये प्राइस जो बनता है ना, ये बन जाता है आपका नेकलाइन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बायर फिर ने इस प्राइस को ऊपर लेके जाने लगे, लेकिन क्या हुआ, सिमिलर हाई, लगभग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हाई पर जाकर के क्या हुआ, फिर से सेलिंग स्टार्ट हो गया। जितने सेलर थे सबने पूछा कि सब सब फिर से होता तो ना प्रेशर कर डाल दिए मार्केट में, शेयर में अच्छा प्रेशर डाला, और उसको क्या किया, अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हुआ और अच्छा सेलिंग हुआ। ठीक है, सेलिंग करने के बाद फिर क्या हुआ, इस जगह पर फिर बाइंग इनिशिएट होने का सबने सोचा, क्या हुआ, चूंकि सेलर इतना ज्यादा थे प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पर हो गया। आप देख सकते हैं जो भी कैंडलस्टिक से पैटर्न को आप देखिएगा, यहाँ पर आप एक अच्छा खासा पैटर्न बना है जिसको कहते हैं एनगल्फिंग पैटर्न, और अच्छा खासा फॉल आया। और नेकलाइन जब टूटता है ना तो इस प्राइस को बोलते हैं नेकलाइन प्राइस बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो प्राइस है इसको बोलेंगे नेकलाइन प्राइस। जब ये नेकलाइन टूटता है तो फिर जितना ये हाइट आप देख रहे हैं ना, नेकलाइन से लेकर के जो हाई है, ये हाई जितना नेकलाइन का हाई जो रहेगा उतना ही फिर क्या हो जाएगा, ज्यादा चांसेस रहता है कि यहाँ से आता उतना ही ये भी उतना ही गिरेगा। तो ये था आपका डबल टॉप पैटर्न, ये बनेगा आपका बुलिश मार्केट में, मार्केट अप ट्रेंड में रहता है। ठीक है, अप ट्रेंड मार्केट में ही बनता है, और ये जो है ये आपका डाउन ट्रेंड मार्केट बनेगा। यहाँ से आपको बाइंग इनिशिएट होता है, यहाँ से सेलिंग इनिशिएट होता है। ठीक है, तो डिफरेंस ये डबल टॉप और डबल बॉटम में। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या क्वेश्चन है। हाँ, सो ये चार्ट मैं आपको सिर्फ उसी पे दिखा रहा हूँ कि क्लैरिटी लाने के लिए। यहाँ पर आपका पहला हाई जब बना तो सेलिंग इनिशिएट हुआ, बाइंग फिर से यहाँ पर स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, और फिर क्या हुआ, मार्केट या फिशर प्राइस हुआ धड़ाम। देखिए, आप देख सकते हैं पूरा अच्छा खासा वॉल आ गया। ठीक है, तो ये था जो मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ। अभी क्वेश्चंस कुछ कुछ आते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस है, वेर वी कैन फाइंड दिस पैटर्न, ये पैटर्न आपको कहाँ मिलेगा।
ये पैटर्न आपको अप ट्रेंड मार्केट मार्केट जब चढ़ता रहेगा, स्टॉक का प्राइस जब चढ़ता रहेगा तो वहां पर आपको ये पैटर्न मिलेगा। दो हाई बनते हैं और दोनों जगह ये सेम प्राइस, लगभग सेम प्राइस रहेगा, उस जगह पे सस्टेन नहीं करता और फिर गिर जाता है। हाउ इट विल लुक और हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द पैटर्न, कैसा दिखेगा ये? एक एम पैटर्न की तरह दिखेगा, एम की तरह दिखेगा, ठीक है? ये एम की तरह दिखता है और वो जो डबल बॉटम जो रहता है वो आपको डब्ल्यू की तरह दिखता है, ठीक है? क्योंकि नीचे मिलता है। और ये क्या है, हम लोग आज जान रहे हैं एम पैटर्न के बारे में, एम पैटर्न ऐसा दिखता है। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, इट विल लुक लाइक अ एम पैटर्न, ओके? वो द टॉप नीड टू बी सेम, क्या ये टॉप जो रहता है, ये दोनों टॉप जो रहता है क्या ये सेम प्राइस का होना चाहिए? तो सेम प्राइस का होगा तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को सेलिंग इनिशिएट करना है, किसी को अगर ये पैटर्न ऐसा एम पैटर्न बना और ये जो पहला हाई से ना, पहला हाई से अगर ये ऐसे बना और बनने का पहला हाई से पहले ही रिटर्न हो गया, ठीक है? मतलब ये हाई थोड़ा ज्यादा ऊंचा था और ये हाई थोड़ा कम ऊंचा था, अगर ये ज्यादा ये पैटर्न बनता तो कंफर्मेशन ज्यादा रहता है, ठीक है? लेकिन अगर सेम भी बने, सेम भी अगर बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और हल्का सा मतलब 3 से 4% का या 3 से 5% का भी डिफरेंस रहेगा दोनों हाई के बीच में तो भी कोई मैटर नहीं करता, लेकिन दिखना चाहिए आपको डब्ल्यू या एम पैटर्न। यहाँ पर आपको एम पैटर्न ऊपर में दिखना चाहिए अप ट्रेंड में, डब्ल्यू पैटर्न डाउन ट्रेंड में। तो आज हम लोग चूंकि एम पैटर्न पर डिस्कस कर रहे हैं तो एम पैटर्न पे ही बात करेंगे, ठीक है? बोथ द टॉप नीड टू बी सेम प्राइस, वो मे और मे नॉट बी, जैसा आपका आप बस पैटर्न को पहचानिए, ठीक है? ड्यूरेशन टू बी टेकन, कैसा ड्यूरेशन रहेगा? तो अब ये जो ड्यूरेशन जो होता है ना, ये टॉप, ये दोनों टॉप के बीच में, जैसे ये टॉप मान लीजिए, ये टॉप बना, 1 साल बाद दूसरा टॉप बन रहा है, तो ये 1 साल के बाद दूसरा टॉप बनता है तो ज्यादा बड़ा कंफर्मेशन होता है, ठीक है? अगर पता चला कि आप टाइम फ्रेम 1 घंटा 2 घंटा में देख रहे हैं तो ये छोटे समय के लिए होगा, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं आएगा। लेकिन अगर ये पता चला ये 2010 में बना था ये पैटर्न, ये पहला टॉप, और ये बना आपका 2015, मतलब 5 साल का डिफरेंस अगर आ जाता है तो समझिए कितना बड़ा पैटर्न ये आएगा, ठीक है? बहुत बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। ड्यूरेशन क्या है, जितना बड़ा जितना ज्यादा ड्यूरेशन रहेगा उतना अच्छा प्रोबेबिलिटी रहेगा, ज्यादा अच्छा आपका फॉल का। तो फिफ्थ है टाइम फ्रेम टू बी फॉलो। तो टाइम फ्रेम जो है, जैसा आपका जो आप ट्रेड ले रहे हैं, जैसे आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो दैट वुड बी फॉर यू नो लॉन्गर टाइम फ्रेम। जो इंट्रा डे करना चाह रहे हैं तो इंट्रा डे के लिए आपको क्या, 15 मिनट रहेगा, 15 मिनट रहेगा, 30 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, उससे ज्यादा का आप टाइम फ्रेम नहीं ले सकते इंट्रा डे के लिए। हो सकता है आपको 5 मिनट का ही लेना पड़े, 2 मिनट का लेना पड़े, जैसा आपको जिस टाइम फ्रेम में दिखेगा। तो छोटा टाइम फ्रेम आपको इंट्रा डे के लिए लेना है और बड़ा जो रहेगा, बड़ा मैं इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ। और जो अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से करना है आपका लॉन्गर टाइम फ्रेम रहेगा, जैसे आपका हो सकता है वीकली रहेगा या फिर डेली टाइम फ्रेम, आपको उसको चेक करते रहना पड़ेगा। फिर सिक्स है वॉल्यूम टू बी लुक्ड फॉर, लुक्ड और नॉट। तो वॉल्यूम को ऑब्वियसली देखना पड़ेगा, अगर जितना अच्छा वॉल्यूम से ये गिरता है, जितना बढ़िया वॉल्यूम से, अगर मान लीजिए इस कैंडल में ऐसा हुआ और वॉल्यूम भी काफी बड़ा था, काफी बड़ा वॉल्यूम के साथ अगर ये गिर रहा है तो काफी अच्छा इसको ब्रेक डाउन माना जाएगा, ठीक है? डू आई नीड टू वैलिडेट विद अदर इंडिकेटर्स, यस यू नीड टू वैलिडेट विद अदर इंडिकेटर्स। अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है और उसमें आपका मूविंग एवरेज का लाइन भी अगर इस तरीके से क्रॉसओवर ले रहा है तो आपको क्या है, पक्का ही कंफर्मेशन दे रहा, प्लस आपको आरएसआई वगैरह भी अगर लगा के देखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो जिन्हें भी आरएसआई या मूविंग एवरेज या फिर सुपर ट्रेंड, ये सबसे आपको जो भी इंडिकेटर रिलेटेड वीडियोस आपको जानना है आपको इस चैनल में उपलब्ध है, आप प्लीज उसको आप वॉच कीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, बिकॉज दिस चैनल इज मेंट ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नथिंग एल्स, ओके? सो व्हाट इज फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है? फॉल्स ब्रेकआउट ये होता है कि मान लीजिए अगर इस तरीके से पहला टॉप बनाया, ये पहला टॉप हो गया, ठीक है? फिर दूसरा टॉप इसने बनाया, ठीक है? तो दूसरा टॉप बनाने के बाद अब क्या हो गया कि आपको क्या लगा कि नेकलाइन को तोड़ रहा है, ठीक है? तो ये नेकलाइन को तोड़ा, तोड़ने के बाद क्या हुआ, अचानक फिर इस जगह पे छोटे टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो जब नीचे कैंडल बना ना, यहाँ सस्टेन नहीं किया, आपने क्या किया, आपने तो ट्रेड एंट्री ले लिया कि नहीं ये ब्रेकडाउन तो ले चुका है, और यहाँ क्या है आपको वेट करना चाहिए कि रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, ठीक है? रीटेस्ट ये लाइन जो नेकलाइन है रीटेस्ट करने के लिए, रीटेस्ट के बाद अगर ये ऊपर चला जाता है तो फिर ये जो एम पैटर्न है वो खत्म हो जाता है, ठीक है? ये ऊपर चला गया और ये इस हाई को भी अगर ये तोड़ देता है तो समझिए कि पैटर्न पूरा ही खराब हो गया, ठीक है? तो ये रीटेस्ट के समय आपको मेन एंट्री लेने का सोचना, रीटेस्ट के बाद अगर ये नीचे जाने लगा तो समझिए कि 100% कंफर्मेशन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं फिर। डू कैंडल स्टिक प्ले इन एम पैटर्न, यस कैंडल स्टिक प्ले रोल इन एम पैटर्न। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक एनगल्फिंग पैटर्न है, इसी तरह से डिफरेंट हैमर रहा या क्या रहा, जो भी रहेगा पैटर्न आपको कैंडल स्टिक दिखेगा वो पक्का काम करता है। तो कैंडल स्टिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस काइंड ऑफ पैटर्न, ओके? जिन्हें भी कैंडल स्टिक रिलेटेड वीडियो जानना है, एजुकेशन रिलेटेड वीडियो जानना है रिलेटेड टू कैंडल स्टिक,
कंप्लीट आपको पैकेज यहाँ उपलब्ध है, प्लीज उसे वॉच कीजिए। तो चलिए अब इसको हम लोग कुछ चार्ट में देखते हैं, ठीक है, चार्ट में देखते हैं। तो चार्ट जो है, पहला चार्ट आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने लाइन सब आपको लाइन ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला जो चार्ट है दैट इज अबाउट हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है और ये डेली टाइम फ्रेम में, ओके, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो हिंदुस्तान, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर का ये जो आपका पहला हाई था, ठीक है, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये पहला हाई बना, देखिए ये इस जगह पे है ना, ये पहला हाई बना, ये इस जगह पे आप देखिए पहला हाई बना, ठीक है। और दूसरा हाई कहाँ बना था, इस जगह पे दूसरा हाई बना था, दो हाई बना। तो और पैटर्न कैसा था आप देख सकते हैं, इस तरीके से ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, एक नेकलाइन यहाँ पर सपोर्ट लिया मतलब, और ये यही इसका नेकलाइन बन जाएगा फिर फ्यूचर में, ठीक है। इस सपोर्ट का जब ये तोड़ेगा ना तो फिर इसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो फिर ये ऊपर गया, फिर ये रिटेस्ट करने की कोशिश किया, ऑलमोस्ट सेम हाई, इसका हाई क्या था देख सकते हैं, इसका हाई था लगभग 2723। आपको हाई यहाँ चेक करना है, यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, जहां पर मैं यहाँ पर आपको सर्कल कर दे रहा हूँ, आप इस हाई को चेक कीजिए, ठीक है। आप देखिए इस जगह पे इसका हाई है 2714, ठीक है, 2734, 2734। और इस कैंडल का हाई, ठीक है, इस कैंडल का हाई भी अप्रोक्सीमेटली, हाँ ये देखिए अप्रोक्सीमेटली ये की साज 2741 है, ठीक है, 2741। तो लगभग ऑलमोस्ट सेम हाई, सेम हाई से फिर ये यहाँ पर इसको रेसिस्टेंस मिला और फिर क्या हुआ, ये गिरा, फिर ये हाई बनाया, लेकिन ये दोनों हाई के ऊपर नहीं सस्टेन कर पाया, देख सकते हैं दूसरे, फिर इसका फिर ये लोअर हाई इसका देखिए बनते चला गया। अभी क्या हुआ, फिर से ये नेकलाइन को छुआ। अब यही है पॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है, पॉल्स ब्रेकडाउन यही हो सकता है, अगर इसके नीचे सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद ये रिटेस्ट करता, उसके बाद ये फॉल होता तो फिर इस तरीके का पैटर्न बनता। लेकिन अभी क्या है, अभी ऐसा पैटर्न नीचे तो गया था ये, लेकिन सस्टेन नहीं किया, फिर यहां से इसको सपोर्ट मिला रही है, फिर बाउंस बैक करके ऊपर गया। अब देखिए फिर से ये रिटेस्ट करने के लिए इस लाइन को आया है, ठीक है। अगर इसके नीचे कैंडल बनना स्टार्ट हो गया, इसके नीचे कैंडल बनना स्टार्ट हो गया तो समझ लीजिए अच्छा खासा फॉल आ जाएगा। तो अब ये देखते हैं कि इसका टारगेट कहाँ से कहाँ तक निकल गया था। तो जैसे मैंने आपको बताया इसका हाई जो था अराउंड अराउंड हाई था 2740 हाई था, ठीक है, 2740, और नेकलाइन जो है 2727, ठीक है, 2740 माइनस 2740 माइनस 2430, ठीक है, 2430। अब माइनस करेंगे तो आ रहा है आपका 310 रुपये, ठीक है। तो ये लाइन आपका था 2740 का, और ये लाइन, ये सेकेंड वाला लाइन जो था दैट वाज 2420 था। अब डिफरेंस दोनों के बीच में माइनस करने के बाद कितना रहा, 310 रुपये आ रहे हैं। अब इस लाइन से 2420 से मैं 2420 माइनस कितना करूंगा, 310, ठीक है, 310 किया तो आपका आ रहा है लगभग 2110 रुपये का टारगेट आ रहा है, ठीक है, 2110। तो 2110 कहाँ पर आ रहा है, या फिर 2100 मान के चलिए, ठीक है, 2100 रुपये का टारगेट यहाँ पर आ रहा है। अब आप बोलिएगा कैसे कंफर्मेशन आएगा कि 2100 आएगा कि नहीं आएगा, तो आप इस जगह पे चेक कर लीजिए, कंफर्मेशन पूरा आ जा रहा है। देखिए आप ये हाइट देखिए इस जगह पे, ठीक है, तो आपको कंफर्मेशन समझ में आ रहा है कि ये आपका ये इसी जगह पे जाकर के पहले इसको सपोर्ट मिलता था, देखिए एक सपोर्ट दो सपोर्ट, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर ये नेकलाइन को तोड़ेगा ना तो इस जगह पे जाकर के उसको सपोर्ट मिल सकता है हिंदुस्तान को, ठीक है। तो टारगेट भी वहीं तक का निकल के आ रहा है अगर ये नेकलाइन को तोड़ता है तब, अदरवाइज यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यही कहने का मतलब था, कोई बाय और कोई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट पेपर ट्रेड कीजिए ना, पहले सीखिए मार्केट को, सीखिए समझिए, उसमें ही आपको प्रॉफिट ज्यादा आएगा, ठीक है। समझने के बाद अगर आपका आप खुद से कमाइएगा, खुद से मेहनत करके कीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। नोबडी कैन हेल्प यू आउट, कोई आपको हैंड होल्डिंग नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और आपको अगर आप चाहिएगा तो आप कॉन्टेक्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, हम लोग सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन रिलेटेड बातें कर रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, पहले सीखते हैं, ठीक है। चलिए एस सी एल टेक को भी देखते हैं, दूसरा स्टॉक है एस सी एल टेक। तो एस सी एल टेक में भी सेम कहानी है, ठीक है, एस सी एल टेक में भी ऑलमोस्ट सेम कहानी, ठीक है। तो अब देखिए पहला इस जगह से गया, ये हाई बनाया, ठीक है, इस कैंडल पे हाई बना, फिर ये यहाँ से इसको बाउंस बैक मिला इस लाइन से, ये इस जगह पे देख सकते हैं, यहाँ पर दो जगह पे इस कैंडल में और इस कैंडल पे ये बाउंस बैक यहाँ से इसको मिला, मिलने के बाद फिर क्या हुआ, फिर ये रिटेस्ट कर, या रिटेस्ट नहीं, ये बाउंस बैक मिला और ये हाई बनाने की कोशिश किया, इस हाई को तोड़ने की पूरा कोशिश किया इसने, लेकिन ये तोड़ नहीं पाया, ठीक है।
उसके बाद फिर लोअर हाई का पैटर्न सिलसिला जारी रहा। अब देखिए नेकलाइन के पास फिर से आया, इस नेकलाइन के प्राइसेस को फिर से सपोर्ट मिला है। तो यही चीज है, अगर ये नेकलाइन को तोड़ता है तो फिर ये इसका टारगेट कहां तक निकल के आएगा, 800, 878 रुपए तक का टारगेट आएगा। फिर बोलिएगा 878 कैसा टारगेट आएगा, देखिए जब दो बार इसको इसी जगह पे सपोर्ट मिला है, ठीक है, तो 878 तक का टारगेट आएगा। टारगेट निकाल लेते हैं पहले, तो इसका हाई जो है, इस कैंडल का हाई है अराउंड आपका आ रहा है 1150 रुपए का, इस कैंडल का है, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल जो है इसका हाई देख रहा हूँ, 1150 रुपए का हाई आ रहा है, और इस कैंडल का भी हाई लगभग 1185 है, 1185 हाई, ठीक है, 1150। और डिफरेंस दोनों नेकलाइन और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब ये लाइन की बात कर रहा हूँ, कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 1150 माइनस 1015, 1150 माइनस 1150 माइनस 1015, तो आपका आ रहा है 135 रुपए। अब इस लाइन 1015 से आपको 135 माइनस करना होगा, 1015 माइनस 135, 135, आपका टारगेट आ रहा है 880, तो 880 या 900 मान के चलिए, ठीक है, 880 से 900 तक का टारगेट आपका एस सी एल टेक में आ रहा है, जो कि यहाँ से यहाँ तक का आ रहा है, क्योंकि तो काफी अच्छा टारगेट यहाँ पर आ सकता है, अगर ये नेकलाइन को तोड़ता है तब, अदरवाइज फिर से ये इस जगह से बाउंस बैक कर सकता है। तो ये आप डबल टॉप ऑलरेडी बन चुका है, अभी देखते हैं आता है कि नहीं आता है, ठीक है, पेपर ट्रेड करते हैं, मजा आएगा, देखते हैं हम लोग का ये जो सक्सेस रेशियो क्या रहता है, सबको चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एस सी एल टेक, और टारगेट मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस दो जगह पे इसको सपोर्ट लेकर के पहले भी चढ़ा था ये आपका, अब सो समझ सकते हैं इस पैटर्न का नाम ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया, दिस इज डबल बॉटम पैटर्न, क्योंकि सेम प्राइस से आप देखिए ऊपर की ओर गया, ऐसे गया, ठीक है, देख सकते हैं सेम, इसको बोलेंगे आप क्या बोलिएगा, इसको आप बोलिएगा डब्लू पैटर्न, ठीक है, यहाँ पर आपका डब्लू पैटर्न, ये आपका नेकलाइन था, नेकलाइन को तोड़ते जब गया तो आप देख लीजिए टारगेट कहाँ तक आया, फिर सिमिलर आपका ऊपर एम पैटर्न बन रहा है, तो हो सकता है फिर से डब्लू पैटर्न बना के नीचे से फिर चला जाए, तो देखिए बहुत सुंदर है मार्केट, ठीक है, आपको सब कुछ समय पे सब कुछ अपडेट मिलते रहता है, बस आपको जानना है और कुछ नहीं है, सब कुछ आपको चार्ट में दिखता चला जाएगा। लास्ट हम लोग आज का वीडियो देखते हैं, इट्स ऑल अबाउट इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को चेक करते हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में आप देखिए कि सेम काइंड ऑफ जो हाई जो रहता है, सेम काइंड ऑफ हाई जो है, दिखाता हूं पहले, पहला हाई ये था, पहला हाई इस जगह पे, इस कैंडल ने पहला हाई बना, इसका हाई क्या था, इसका हाई था अराउंड 158 रुपीज, ठीक है, 158 रुपए, इस कैंडल का हाई क्या था, इस कैंडल का हाई भी अप्रोक्सीमेटली वही 157 रुपीज 87, 158 मान के चलते हैं ना, तो आपका क्या बना, ये इस तरीके से गया, फिर ये नेकलाइन मतलब यहाँ पर इसको सपोर्ट मिला, फिर ये बाउंस बैक किया, सेकंड टाइम इस प्राइस को टच किया, एम पैटर्न बनाया, नेकलाइन को तोड़ा, तो कितना है ये आपका आ रहा था 158 रुपीज, और ये जो नेकलाइन जो है, ये जो प्राइस है, ये प्राइस आपका आ रहा है, इस ये प्राइस जो आपका आ रहा है 128 रुपीज का आ रहा है, ठीक है, तो 158 माइनस 128, ठीक है, 158 माइनस 128, तो आपको आ रहा है ये 30 रुपए का, अब 30 रुपीज है ना, तो 128 माइनस 30 रुपीज, तो आपको टारगेट आ रहा है 98 रुपीज का, देखिए 90 रुपीज यहाँ पर है, 98 रुपीज, तो ऑलमोस्ट ये 98 रुपीज को टच किया, बाउंस बैक किया, ठीक है, बाउंस बैक करने के बाद फिर से इस लाइन को तोड़ा, यहाँ पर ये अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाया, इस जगह पे सस्टेन नहीं कर पाया, और देखिए बहुत ही सुंदर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट ले रहा है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिनको नहीं पता है प्लीज वीडियो को वॉच कीजिए, अवेलेबल है इस चैनल में, सब कुछ आपको मिलेगा रिलेटेड टू एजुकेशन, नो बाय नो सेल रिकमेंडेशन गिवन दिस चैनल, और जिन्हें भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है उससे रिक्वेस्ट है प्लीज प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, आलोक राय साइनिंग ऑफ, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।